विशेषकर सदर सीट पर जिस तरह से हस्तक्षेप माननीय हमारे बहुचर्चित थप्पड़बाज विधायक जी कर रहे हैं, इनके इशारे पर जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय जिस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त महोदय से मेरा निवेदन है कि तत्काल रूप से इनका ट्रांसफर करके और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने का यहाँ पर पूर्ण रूप से हम लोगों को विश्वास दिलाए, नहीं तो यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे, अभी की हत्या होगी। अभी ये हाल है तो आगे क्या, अभी तो ये शुरुआत है। आप दिन रात क्षेत्र में जाके मीटिंगें कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, भीड़ लेकर जा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, उनके लिए कोई रोक रही है? और सबके लिए नियम है, सभी पार्टियों के लिए नियम है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नियम ही नहीं है। विशेषकर सदर सीट पर जिस तरह से हस्तक्षेप माननीय हमारे बहुचर्चित थप्पड़बाज विधायक जी कर रहे हैं, इनके इशारे पर जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय जिस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त महोदय से मेरा निवेदन है कि तत्काल रूप से इनका ट्रांसफर करके और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने का यहाँ पर पूर्ण रूप से हम लोगों को विश्वास दिलाए, नहीं तो यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे, अभी की हत्या होगी। अभी ये हाल है तो आगे क्या, अभी तो ये शुरुआत है। आप दिन रात क्षेत्र में जाके मीटिंगें कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, भीड़ लेकर जा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, उनके लिए कोई रोक रही है? और सबके लिए नियम है, सभी पार्टियों के लिए नियम है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नियम ही नहीं है?